हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपाली गोयल। मैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम साइंस सब्जेक्ट का जो टेक्स्ट बुक है क्लास एट्थ की, उसका चैप्टर है सेकंड, जो एनसीईआरटी बुक का, जिसका नेम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोय। सो इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। यू हैव सीन सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच आर वी नॉर्मली कैन नॉट सी। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। कहने का मतलब ये है कि हमने प्लांट्स और एनिमल्स को तो देखा ही हुआ है, कुछ और भी ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे सराउंडिंग में कि जो हमें दिखाई नहीं देते, हमारी नेक डाई के थ्रू हमें दिखाई नहीं देते, उनको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल्ड एंड इट्स सर्फेस गेट्स कवर्ड विद ग्रेश वाइट पैचेस। ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लासेस, यू विल सी द टनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स। डू यू हैव नो वॉट दीज स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम? Do find tiny organisms moving around? कहने का मतलब ये है कि जैसे हम कभी रेनी सीजन में देखते हैं, जो हमारे घर पे ब्रेड होते हैं, रोटी वगैरह भी देख सकते हैं, उनके ऊपर भी जो ऊपर ग्रेश सा पार्ट आ जाता है, ब्लैक ब्लैक सा, जिसको हम जब कह देते हैं कि हमारी रोटी ख़राब हो गई है या हमारा ब्रेड है वो भी, तो वो जो उसके ऊपर जो ग्रेश पार्ट सा आ जाता है वो क्या होता है, वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ही एग्जाम्पल है। जैसे हम कह देते हैं इसको फंगी लग गई है, ये सब कुछ। ओके, सो दीज ऑब्जर्वेशन शो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स, दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इन टू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडिड आई। सम ऑफ दीज सच एज अ फंगस दैट ग्रोज ऑन अ ब्रेड कैन बी सीन विद द मैग्नीफाइंग ग्लासेज, अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास जो जैसे हम ब्रेड के ऊपर ग्रेश सा पार्ट आता है, अगर हम उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं तो हमें उसमें वो कुछ लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तरह दिखाई देते हैं। तो क्या कहने का मतलब है कि जो हमारे पास ये जब ब्रेड ख़राब हो जाता है तो जो उसके ऊपर पार्ट जम जाता है उसको हम फंगस कहते हैं। सो ये भी एक क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक टाइप है। तो कहने ये क्या है कि जो हमारे हम इनको नेक्ड आई से नहीं, मीन्स कि हम उनको नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की थ्रू की हेल्प से देख सकते हैं या मैग्नीफाइंग ग्लासेस के थ्रू देख सकते हैं। सो इसलिए हम इनको मतलब जो कहने का मतलब है कि अगर हम इनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं इसलिए हम इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स कहते हैं। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि हम इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है इसलिए। ओके, सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इंटू फोर मेजर ग्रुप्स। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजो एंड सम एलगी। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन इन अ फिगर, हमारे नेक्स्ट पेजेस पे ये फिगर ये दिए हुए हैं। यू कैन सी दैट बैक्टीरियाज, ये बैक्टीरिया की टाइप है, ये हमारे पास एलगी, दिस इज अ प्रोटोजोआ एंड दिस इज अ फंगी, दीज आर अ फंगी जो एग्जाम्पल है इनकी दी हुई है, ब्रेड मोल्ड पेंसिलिन, ये है ये अमीबा पैरामीशियम, एल्गी की दी हुई है, स्पाइकर वगैरह वगैरह ये बैक्टीरिया हैं। सो ये हमारे पास इनकी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल्स हैं। सो वायरसेस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स। वायरस क्या है, वायरस नॉर्मली हम लोगों ने सुना ही हुआ है कि जैसे वायरस हम कह देते हैं कि किसी इसकी बॉडी में वायरस आ गया या कुछ ये है, तो जो ये वायरस होता है ये हमेशा होस्ट ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ही अटैक करता है, जो मेन होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है उसके ऊपर ही इसका इफेक्ट पड़ता है। सो विच में अ बैक्टीरियम प्लांट और एनिमल, सम ऑफ द वायरसेज आर शोन इन, वहाँ पे हमने अभी एग्जाम्पल देखी है, जैसे कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाय वायरसेस। हमें पता है कि हमारी बॉडी जब हमें कोल्ड होता है, कफ होता है, हम कहते हैं ये वायरल है या कुछ भी है, ये वायरस के थ्रू होता है इसलिए हम इसको वायरल कह देते हैं। सो ये जो ये भी प्रॉब्लम्स हैं ये हमारे पास वायरस की एग्जांपल हैं। सीरियस डिजीजेज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस। सो मतलब जो ये भी प्रॉब्लम आती है ये हमें वायरस के थ्रू आती है इसलिए हम इनको वायरसेस डिजीजेज कहते हैं। ये भी एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है और बाकी ये मतलब ये सारे डिफरेंट टाइप के हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं। डिजीज लाइक डेंसिटी एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, जैसे हमें मलेरिया वगैरह हो जाता है ये प्रोटोजोआ के थ्रू होता है, जो हमारे पास यहाँ पे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है।
वेरस टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस एंड आर बैक्टीरियल डिसीजेज, जो टीबी होता है, टाइफाइड है, ये हमारे पास बैक्टीरियल डिसीजेज है. ओके, यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स इन क्लास सिक्स एंड सेवन. पिछली क्लासेज में आपने थोड़ा बहुत ये देखा होगा इनके बारे में, ये हमारे पास इनकी टाइप्स हैं. वेयर डू ऑर्गेनिजम्स लिव? अब ये जो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये रहते कहाँ पे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ आर मल्टी सेलुलर सच एज मैनी एल्गी एंड फंगी. दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट रेंजिंग सम फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू होल्ड स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट्स टू मार्शी लैंड्स. क्या है जो ये जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ सिंगल सेल्ड होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं. सो ये हमारे पास ऑल वर्ल्ड में हर एक जगह पे, अलग अलग जगह पे ये सारे पाए जाते हैं. कोई मार्शी एरिया में होता है, मीन्स जहाँ पे चिक्कड़ वाली जगह होती है वहाँ पे, कीचड़ वाली जगह होती है वहाँ पे देखने को मिलते हैं. कोई कोल्ड एरियाज में, क्लाइमेट में, कोई हॉट में, सब अपना ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एरियाज में देखने को मिलते हैं. दे आर ऑल्सो फाइंड इन साइड द बॉडीज ऑफ, कुछ एनिमल्स की बॉडी में होते हैं, कुछ ह्यूमंस की बॉडी में होते हैं. सम ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वेयर अदर एग्जिस्ट फ्रीली, कुछ अपने आप एग्जिस्ट करते हैं, कोई किसी और बॉडी के बीच में होते हैं. इनका सबका अलग अलग टाइप का ही रहना, मतलब ये हर एक अलग अलग टाइप की जगह पे पाए जाते हैं. ये हमारे पास वायरस की ये भी एग्जाम्पल्स गिवन है. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज, वेयर एज सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉजेज डिजीजेज. लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल. कुछ हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे लिए फ्रेंडली हैं, हमारे यूज में होते हैं, और कुछ क्या होते हैं हमारे लिए हार्मफुल होते हैं. जैसे वायरस होता है ये हमारे लिए हार्मफुल है, बैक्टीरियाज कुछ जैसे हमारा दूध से दही बनता है, सो वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे लिए फ्रेंडली होते हैं. काफ़ी यूजेज हैं इनके, वो अब हम डिटेल में करते हैं. सो काफ़ी इनके डिटेल जो हमारे लिए फ्रेंडली भी हैं और ये हार्मफुल भी हैं. सो पहले हम इनके जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पसेस. दे आर यूज इन प्रेपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक. दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ इन्वायरमेंट. फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट इज like vegetables, peels, remain of animals, fishes, etc. are broken down into harmless and usable substances by bacteria. Recall that the bacteria are also used in preparation of medicines in agriculture. They are used in increased soil fertility by fixing nitrogen. क्या होता है जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं. जैसे कुछ बैक्टीरिया, ये हमारे पास मैंने अभी बताया, जैसे हमारे दूध से दही बनता है, मिल्क से कर्ड बनाते हैं या ब्रेड बनाते हैं, ईस्ट बनाते हैं, ये सारे हमारे इनमें बैक्टीरियाज यूज़ होते हैं, ये हमारे लिए यूज़फुल होते हैं. कुछ जो हमारे पास कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं मेडिसिन बनाने के काम आते हैं, इन्वायरमेंट को साफ करने के लिए काम आते हैं. जैसे अब जो हम खेतों में खाद डालते हैं वो भी बैक्टीरियाज के थ्रू बनती है. कैसे? जैसे हमारे घर का जो छिलक वगैरह गार्बेज होता है, मतलब वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का, अगर हम उसको एक खड्डे में दबा देते हैं तो वहाँ अगर हम थोड़े टाइम बाद उनको देखें तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो उसको एक खाद बना देते हैं जो अब हम अपने फील्ड में डालते हैं. हमारी क्रॉप प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी होती है. सो इस टाइप के जो बैक्टीरियाज होते हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं. और बैक्टीरियाज क्या है कि हमारे जिसके थ्रू हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी इंक्रीज होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू. सो जो ये होते हैं हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये हमारे इस टाइप से फील्ड में, घर पे, काफ़ी चीज़ों में, ये खाने पीने की चीज़ों में भी हमारी हेल्प करते हैं. ये हमारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इन चीज़ों में यूज़ होते हैं. नेक्स्ट इज़ अ मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड. अब कैसे बनते हैं ये बता रहे हैं. यू हैव लर्नड इन क्लास सेवन दैट मिल्क इज़ टर्नड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया. अब क्या है कि हमें पता है कि जो दूध से दही बनता है, सो कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ऑफ दीज द बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस. जो हमारे पास दही होता है उसमें जो बैक्टीरिया होता है वो होता है लैक्टोबैसिलस, जो दूध को दही में बनाने में हेल्प करता है. सो प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. ये कर्ड बनाने में हेल्प करता है ये बैक्टीरिया जो लैक्टोबैसिलस है. इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इन टू कर्ड. बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज, पीकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स. एन इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट ऑफ रावा, मीन्स जिसको हम सूजी कहते हैं, इडलीज एंड बटूराज इज कर्ड. कैन यू
गेस वाई बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस इडलीज एंड डोसा बैटर. क्या होता है कि इनको जैसे हमारा दही होता है इसमें बैक्टीरिया होता है. अब जैसे हम घर पे इडली वगैरह बनाते हैं डोसा बनाते हैं सो उनकी फर्मेंटेशन के लिए भटूरा बनाते हैं तो उनकी फर्मेंटेशन के लिए हम उसमें दही डाल देते हैं सो जिसकी वजह से उसमें फुलावट आती है और वो काफ़ी खाने में हमारा टेस्टी बनता है. सो इस टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं ये हमारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे फूड में भी यूजेबल होते हैं. ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. तो क्या है कि जो ईस्ट होती है जब हम जो ईस्ट है कि इसमें ये प्रोड्यूस करती है कार्बन डाइऑक्साइड जब इसमें रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है. बबल ऑफ दीज गैसेस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम. जब हम ईस्ट आटे वगैरह में डालते हैं तो आटा फूल जाता है सो क्या होता है जो ईस्ट होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है सो वो क्या करता है उसमें बबल होते हैं गैस के जो उसकी वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं डो की जिसमें हम उसको डालते हैं. सो दिस इज बेसिस ऑफ यूज ऑफ ईस्ट एंड द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड पेस्ट्रीज एंड केक. सो इसलिए जो ईस्ट वगैरह होती है हम उसको केक में पेस्ट्रीज में सब में डालते हैं उनकी फ्लावट लाने के लिए और उनकी वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाती है. और जो ईस्ट होती है ये भी एक बैक्टीरिया है. इस टाइप के बैक्टीरियाज हमारे लिए यूजफुल होते हैं जो हमारे फूड में यूज़ होते हैं. नाउ नेक्स्ट इज कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इसका कमर्शियल यूज़ क्या है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल वाइन एंड एसिटिक एसिड. ईस्ट इज यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन. फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले व्हीट राइस क्रश्ड फ्रूट जूस एट्सेट्रा. क्या कहते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे जैसे जो अल्कोहल होती है वाइन या एसिटिक एसिड होती है उसको भी प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं. ईस्ट भी ईस्ट का भी जो यूज़ होता है वो भी अल्कोहल और वाइन में बहुत ज़्यादा होता है. सो इस फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स. तो मतलब इसको भी वहीं पे लिया जाता है जहाँ पे ग्रेन्स बार्ले व्हीट राइस क्रश्ड फ्रूट जहाँ पे जूसेस एट्सेट्रा मतलब उनमें भी यूज़ किया जाता है. सो इसका जो ये कमर्शियल यूज़ है हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जैसे इनको फैक्ट्रीज वगैरह में यूज़ करते हैं जो इनको आगे मतलब जो आगे हम सेल करते हैं चीज़ें जैसे वाइन अल्कोहल तो उस चीज़ में ईस्ट यूज़ होती है. ईस्ट भी क्या है हमारे पास बैक्टीरियाज के थ्रू मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ही बनी होती है. सो दिस इज़ अ स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट. सो जो क्योंकि जो ये हमारे पास अल्कोहल वगैरह है इसकी भी स्मेल चेंज करने के लिए इसमें ईस्ट डाली जाती है. सो दिस प्रोसेस को क्या कहते हैं कि कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड अ फर्मेंटेशन. क्योंकि जो अल्कोहल होती है वो शुगर की होती है तो अगर हम उसको शुगर से उसको अल्कोहल में ही कन्वर्ट करना होता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन और ये सारा प्रोसेस ईस्ट के थ्रू ही होता है. ओके फ्रेंड्स सो ये आज की वीडियो में हमने थोड़े इसके यूज रीड किए हैं. बाकी के जो यूज़ है वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे. ओके फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए और मेरी ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए मेरा बेल आइकन दबाना भी मत भूलिए. थैंक यू फ्रेंड्स.